नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी, और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल डिवीजन चल रहा था और उसके अंदर अरावली के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे गौंड पहाड़ियाँ, और गौंड पहाड़ियों में कुछ गौंड पहाड़ियाँ हो गई थी, और अब अपनी जो अपन जो पढ़ेंगे वो गौंड पहाड़ियाँ जो शेष बची है उनको अपन देखेंगे। तो जयपुर तक की अपन ने देख ली थी, आज जो बात करने वाले हैं वो अपन बात करेंगे सीकर की गौंड पहाड़ियाँ। तो बच्चे, सीकर में कौन कौन सी गौंड पहाड़ियाँ पाई जाती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं, टॉपिक वही चल रहा है अपना, सीकर की गौंड पहाड़ियाँ। सीकर की गौंड पहाड़ियाँ, सीकर के अंदर कौन कौन सी गौंड पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो देखो, जैसे अपन अगर अपन बात करें, थोड़ा सा अपन अगर रिवीजन कर ले, तो अपन ने उदयपुर में देखी थी जरगा की पहाड़ी, ठीक है, रागा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, कमलनाथ की पहाड़ी, नागपानी की पहाड़ी, इतनी सारी पहाड़ी अपन ने वहाँ पर देखी। तो मैंने कहा था कि भी लगभग 50 गौंड पहाड़ियों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अपन ने बात की थी राजसमंद की गौंड पहाड़ियों की, और राजसमंद की जो गौंड पहाड़ियाँ हैं उनमें हल्दीघाटी, दिवेर, खमनोर, ठीक है, और कुंभलगढ़, नील, हेमवंत, बहुत सारे अपन ने गौंड पहाड़ी यहाँ पर देखी थी। इसके बाद में अजमेर की करी थी घूघरा की पहाड़ी, ठीक है, कोकरा की पहाड़ी, गुराम जी की पहाड़ी, और नाग पहाड़ी, पुष्कर की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियाँ अपन ने वहाँ पर डिस्कस करी थी। तो एक बार आप सभी चीज़ों को रोज जब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप पहले उसको देख लिया करो ताकि अपने चीज़ें छूटे नहीं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सीकर की, तो सीकर के अंदर भी गौंड पहाड़ियाँ जैसे मालखेत की पहाड़ी है, ठीक है, खंडेला की पहाड़ी है, तोरावटी की पहाड़ी है, और उदयपुर गुवाहाटी की पहाड़ी है, और रघुनाथगढ़ की पहाड़ी है, हर्ष की पहाड़ी है, तो बहुत सारी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। तो जैसे पहली अगर बात करें तो मालखेत की पहाड़ी, तो पहले आप क्या लिखोगे, मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी। दूसरी जो है खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, ठीक है बच्चे। तीसरी, अगर तीसरी पहाड़ी की बात करूँ तो जीण माता की पहाड़ी, जीण माता की पहाड़ी, जीण माता की पहाड़ी। तोरावाटी की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ी पहाड़ी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पहाड़ियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मालखेत की पहाड़ी, ठीक है, इसके बाद में पांचवें नंबर पर यहाँ पर लिख लो हर्ष की पहाड़ी। देखो, हर्ष माता की पहाड़ी अलग है, हर्ष की पहाड़ी अलग है, ठीक है। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी। तो ये पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इन पहाड़ियों को आपको, लगभग 6 पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। तो और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक उदयपुर गुवाहाटी की पहाड़ी है, सातवें नंबर पर कौन सी है, उदयपुर गुवाहाटी की पहाड़ी। तो यहाँ पर इन पहाड़ियों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो यानी कि सीकर की जो गौंड पहाड़ियाँ हैं वो गौंड पहाड़ियाँ मालखेत की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, जीण माता की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, उदयपुर गुवाहाटी की पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कि लगभग यहाँ पर 7 पहाड़ियाँ हैं, इन 7 पहाड़ियों के बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में और बात करेंगे दौसा की पहाड़ियाँ, दौसा के अंदर कौन कौन सी गौंड पहाड़ियाँ हैं। तो बच्चे, दौसा के अंदर देवगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, इस पर दौसा का किला स्थित है। चले, तो एक बार आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, इधर बता देता हूँ मैं, दौसा की गौंड पहाड़ियाँ, दौसा की गौंड पहाड़ियाँ। तो दौसा की जो गौंड पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर पहाड़ी है देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो देवगढ़ की पहाड़ी पर दौसा का किला स्थित है। किसका किला स्थित है बच्चे, दौसा का किला स्थित है देवगढ़ की पहाड़ी पर, ठीक है। दौसा के अंदर एक ही पहाड़ी है, देवगढ़ की पहाड़ी। तो ये सारे पहाड़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चले,
इसके बाद में अपन बात करेंगे अलवर की गौंड पहाड़ियाँ। किसकी बात करेंगे बच्चे? अलवर की गौंड पहाड़ियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चले सबसे पहले इनको मिटा देता हूँ मैं, एक बार आपका रिविज करा देता हूँ। देखो सीकर की गौंड पहाड़ियों में पहली कौन सी पड़ी? मालगेत की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, जीण माता की पहाड़ी, तोरावाटी की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, उदयपुर गुवाहाटी की पहाड़ी। अब देखो ये हर्ष की पहाड़ी जो है, हर्ष की पहाड़ियों की अगर बात करें तो एक तो होती है हर्ष की पहाड़ी, अभी आपको हर्ष की पहाड़ी ये अपन ने पढ़ी। एक आएगी हर्ष नाथ की पहाड़ी जो अलवर में है, और एक आएगी हर्ष माता की पहाड़ी। तो इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ जो है ये आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी कहाँ पर है। तभी मैंने सिर्फ एक बताई आपको, हर्ष की पहाड़ी। तो हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है? सीकर में। हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है बच्चे? सीकर में। अब अपन बात करेंगे अलवर की गौंड पहाड़ियों की। किसकी बात करेंगे? अलवर की गौंड पहाड़ियों के बारे में, अलवर की गौंड पहाड़ियों के बारे में। तो हेडिंग लगाइए अलवर की गौंड पहाड़ियां, अलवर की गौंड पहाड़ियां। तो अलवर की गौंड पहाड़ियों के बारे में बात करें तो अलवर की गौंड पहाड़ियों में पहली जो पहाड़ी अपन को याद रखनी इंपॉर्टेंट है, हर्ष नाथ की पहाड़ी। हर्ष नाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी। मेरे प्यारे बच्चे हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है? अलवर में है। और हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है? सीकर में है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी पहाड़ी है बैराज की पहाड़ी। बैराज की पहाड़ी, बैराज की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी बच्चे? बैराज की पहाड़ी है काली काटी की पहाड़ी, काली काटी की पहाड़ी। ठीक है बच्चे, चार नंबर पर अगर मैं बात करूं तो चार नंबर पर है ताल वृक्ष की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है बच्चे? ताल वृक्ष की पहाड़ी, ताल वृक्ष की पहाड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट पहाड़ी मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना इनको। फिर पांच नंबर पर है बाला किला की पहाड़ी, बाला किला की पहाड़ी, बाला किला की पहाड़ी। ठीक है, फिर आएगी सरिस्का की पहाड़ी। छह नंबर पर कौन सी आएगी बच्चे? सरिस्का की पहाड़ी, सरिस्का की पहाड़ी। ठीक है, तो ये इसके मतलब कितनी पहाड़ी हो गई? छह पहाड़ी हो गई। तो कौन सी पहाड़ी आएगी? सरिस्का की पहाड़ी। फिर इसके बाद में भरतरी की पहाड़ी, सात नंबर पर कौन सी आएगी? भरतरी की पहाड़ी, भरतरी की पहाड़ी, भरतरी की पहाड़ी। ठीक है बच्चे, भरतरी की पहाड़ी। इसके बाद में अगर बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ी, आठवें नंबर पर कौन सी आएगी? उदयनाथ की पहाड़ी। ठीक है, नौ नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो नौ नंबर पर कौन सी आएगी? बिलाली की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी आ जाएगी बच्चे? बिलाली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी जाएगी? बिलाली की पहाड़ी, बिलाली की पहाड़ी। और 10 नंबर पर कौन सी आ जाएगी? जिंदौली की पहाड़ी, जिंदौली की पहाड़ी। यानी कि ये पूरी 10 की 10 पहाड़ियां आपको यहां पर याद रखनी है, 10 के 10 पहाड़ियां। जैसे हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर है? अलवर में। और हर्ष की पहाड़ी कहां पर है? कहां पर है? सीकर में, जो भी पढ़ी अपन ने। बैराज की पहाड़ी है, काली काटे की पहाड़ी है, ताल वृक्ष की पहाड़ी है, बाला केला की पहाड़ी है, सरिस्का की पहाड़ी है, भरतरी की पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी है, बिलाली की पहाड़ी है, जिंदौली की पहाड़ी है। तो ये समस्त पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है बच्चे। ठीक है, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है। अब देखो जब अपन नदियाँ पढ़ेंगे तो नदियों का जो मुख्य रूप से उद्गम होता है 99% वो कहाँ से होता है? पर्वतीय क्षेत्र से होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र से जब इनका उद्गम होगा तो पर्वतीय क्षेत्र में ये जो पहाड़ियां हैं इन पहाड़ियों से उनका उद्गम होगा। तो बहुत सारी पहाड़ियां आपको फिर वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये पहाड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे आ जाए कि उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? अलवर में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि उदयनाथ की पहाड़ी निम्न में से कौन से जिले के अंदर है? तो कौन से जिले के अंदर है? अलवर के अंदर है। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से उदयनाथ की गौंड पहाड़ी, निम्न में से उदयनाथ की गौंड पहाड़ी कहां पर है? तो अलवर में। या फिर आपको
जैसे पूछा जाएगा कि निम्न पहाड़ियों में से अलवर की कौन सी गौण पहाड़ी है, तो एक इनमें से दे देगा और एक तीन अदर अदर आपको दे देगा, ठीक है। तो उसे आपको देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों उतार लो इसको एक बार और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चले देखो, इसके बाद में अपन झुंझुनू की बात करेंगे। किसके बात करेंगे बच्चे? झुंझुनू की बात करेंगे, झुंझुनू की बात करेंगे। तो झुंझुनू की गौण पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे। झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी गौण पहाड़ियां हैं? तो झुंझुनू के अंदर ज्यादा गौण पहाड़ियां नहीं है। झुंझुनू के अंदर जो गौण पहाड़ियां हैं, पहली पाल खेत की पहाड़ी है, ठीक है, बाबई की पहाड़ी है और लोहा गढ़ की पहाड़ी है। तीन ही पहाड़ियां पर इंपॉर्टेंट है। पहली तो कौन सी हो गई? पाल खेत की पहाड़ी, पाल खेत की पहाड़ी, ठीक है। फिर जाएगी लोहा गर्ल की पहाड़ी, लोहा गर्ल की पहाड़ी, ठीक है। तीसरी जो पहाड़ी यहां पर आएगी वो आएगी बाबई की पहाड़ी, बाबई की पहाड़ी, बाबई की पहाड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चे तीन पहाड़ियां आपको यहां पर याद रखनी है, पालखेत की पहाड़ी, ठीक है, लोहागढ़ की पहाड़ी, बाबई की पहाड़ी। तीन पहाड़ियां मुख्य रूप से आपको यहां पर लर्न करनी है, ठीक है। चलें आगे, इसके साथ भीलवाड़ा की पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चा भीलवाड़ा की बात करेंगे, भीलवाड़ा की गौण पहाड़ियां, भीलवाड़ा की गौण पहाड़ियां। और भीलवाड़ा की जो गौण पहाड़ियां हैं उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चा जो पहाड़ी आपको याद रखनी है, बीजासन की पहाड़ी, ध्यान रखना इसको, बीजासन की गौण पहाड़ियां, बीजासन की गौण पहाड़ियां क्या है बच्चे? बीजासन की गौण पहाड़ियों के बारे में ये आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो अपन ने बहुत सारी गौण पहाड़ियां पढ़ी है बच्चे। अब जैसे बाड़मेर के अंदर भी एक गौण पहाड़ी है और वो बाड़मेर की मालानी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? मालानी की पहाड़ी। तो ये आपको ध्यान रखनी है और इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, झुंझुनू की गौण पहाड़ियों को। अब बात करते अपन बाड़मेर की, बाड़मेर की गौण पहाड़ी, ध्यान रखना इसको ना, बाड़मेर की गौण पहाड़ी। तो बाड़मेर में है मालानी की पहाड़ी, कौन सी बच्चे? एक ही पहाड़ी है, मालानी की पहाड़ी, मालानी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बच्चे? मालानी की पहाड़ी। तो ये आपको यहां पर याद रखनी है, कोई दिक्कत है क्या? चलें आगे, ठीक है बच्चे। तो ये पहाड़ी आपको आपको यहां पर याद रखनी है। अब बात करते हैं जालौर की गौण पहाड़ियों की। जालौर की गौण पहाड़ियां भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जालौर की भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो आपको वो भी ध्यान रखनी बच्चे, ठीक है। जालौर में कुछ गौण पहाड़ियां ऐसी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए जालौर की गौण पहाड़ियां, जालौर की गौण पहाड़ियां। मेरे प्यारे बच्चे जालौर के अंदर अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट पहाड़ी है जसवंतपुरा की पहाड़ी, जो मैंने आपको बताई थी अर्धशुष्क क्षेत्र जब अपन पढ़े थे तो वहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। डोरा पर्वत है, इसराना भाकर है, झारोला भाकर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी सुंडा पर्वत है, ठीक है, कनकांचल की पहाड़ी है, नानी सीढ़ी की पहाड़ी है, ये सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं और सब यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो पहली अगर पहाड़ी की बात करूं तो पहली पहाड़ी कौन सी होगी? जसवंतपुरा की पहाड़ी। पहली कौन सी पहाड़ी हो गई? जसवंतपुरा की पहाड़ी। पहली कौन सी पहाड़ी हो गई? जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी। तो पहली कौन सी पहाड़ी हो गई? जसवंतपुरा की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो डोरा पर्वत। दूसरा कौन सा हो गया बच्चे? डोरा पर्वत, ठीक है। तीसरी अगर पहाड़ी की बात करें तो इसराना भाकर, ठीक है बच्चे। चार नंबर पर बात करें तो रोजा भाकर, ठीक है। कौन से हो गए? इसराना भाकर, रोजा भाकर, सुंडा पर्वत। छह नंबर की बात करूं तो छह नंबर पर है कनकांचल की पहाड़ी,
कनकांचल की पहाड़ी, कनकांचल की पहाड़ी, ठीक है बच्चे। सात नंबर की बात करूं तो नानी नानी सिरडी की पहाड़ी, नानी सिरडी की पहाड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। ये हो गए जालौर की गौण पहाड़ियां। कौन कौन सी गौण पहाड़ियां है? जालौर की गौण पहाड़ियां। अगर मैं बात करूं 2006 के अंदर इसको यहां पर सुंडा पर्वत को क्या कर क्या किया गया बच्चे, 2006 में राज्य का पहला रोपवे बनाया गया। रोपवे क्या होता है? रोपवे जैसे एक पहाड़ी यहां पर है, दूसरी पहाड़ी यहां पर है, इसके बीच में इस प्रकार से एक कुछ बांध दिया जाता है जैसे रस्से टाइप में, और उसके ऊपर पर्यटन की दृष्टि से इस प्रकार से कुछ लगा होता है जिस प्रकार से इधर उधर जाता है, जिससे यहाँ पर क्या किया जाता है, पर्यटक स्थल इसको माना जाता है। तो 2006 में जो सुंडा पर्वत है, इस सुंडा पर्वत पर 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया। तो राजस्थान का पहला रोपवे तो कहां पर है? जालौर के अंदर, वो सुंडा पर्वत पर। और राजस्थान का दूसरा जो रोपवे था वो कहां पर था? उदयपुर में। राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां पर है बच्चे? उदयपुर में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, मैंने कहा था कि आपको किस हर्षनाथ की पहाड़ियों के बारे में कि वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार इसको आप उतार लीजिए फिर उसके बारे में आपको बताता हूं। तो जालौर की गौण पहाड़ियों में जसवंतपुरा की पहाड़ी हो गई, डोरा पर्वत पहाड़ी हो गई, इसराना भाकर, रोजा भाकर, सुंडा पर्वत, कनकांचल की पहाड़ी, नानी सीढ़ी की पहाड़ी, ठीक है। चले आगे, और सुंडा पर्वत के आगे क्या लिखा गया? 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे यहां पर बनाया गया। 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे यहां पर बनाया गया। तो मिटा रहा हूं इसको मैं। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तीन चीजें आपको क्लियर करनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है फिर गलत आंसर करके आते हैं। जैसे एक तो हो गया हर्षनाथ की पहाड़ी, ठीक है। दूसरा हो गया हर्ष माता की पहाड़ी, और तीसरा हो गया हर्ष की पहाड़ी। तो सबसे पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था हर्ष की पहाड़ी कहां पर है? सीकर के अंदर। हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है। और हर्ष माता की पहाड़ी कहां पर है? दौसा में। तो मेरे प्यारे बच्चे इस प्रकार से आपको तीनों पहाड़ियां याद रखनी है, हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्ष माता की पहाड़ी और हर्ष की पहाड़ी, ठीक है। तो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब अपन बात करेंगे कुछ पहाड़ियां इंपॉर्टेंट की, जैसे बाड़मेर के सिवाना तहसील से जालौर के मध्य कुछ पहाड़ियां हैं, और वहां पर तीन मुख्य पहाड़ियां स्थित है, और तीनों पहाड़ियों की बात करें, ग्रेनाइट की पहाड़ी है, नाकोड़ा की पहाड़ी और छप्पन की पहाड़ी है। तीन प्रकार की वहां पर पहाड़ियां हैं बच्चे। अगर मैं इन तीनों पहाड़ियों की बात करें तो इन तीनों पहाड़ियों का आकार जो होता है गुंबदाकार होता है, ठीक है। आकार कैसा होता है? गुंबदाकार होता है। लेकिन यहाँ पर अपन को किस प्रकार से याद रखना है इनको और किस तरीके से अपन को आंसर करना है, ठीक है बच्चे। तो मैं हेडिंग लगाता हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप भी हेडिंग लगाइए। बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालौर के मध्य की पहाड़ियों, बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालौर के मध्य की पहाड़ियां, तो इनके बीच में तीन पहाड़ियां हैं मेरे बच्चे। कितने पहाड़ियां हैं? तीन पहाड़ियां हैं। पहली पहाड़ी कौन सी है? ग्रेनाइट की पहाड़ी, फिर आएगी नाकोड़ा की पहाड़ी और फिर आएगी छप्पन की पहाड़ी। तो तीन पहाड़ी यहाँ पर स्थित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितनी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर? एक तो आ जाएगी ग्रेनाइट की पहाड़ी, ग्रेनाइट की पहाड़ी, ठीक है। दूसरी जो पहाड़ी आएगी वो दूसरी पहाड़ी कौन सी आएगी? नाकोड़ा की पहाड़ी, नाकोड़ा की पहाड़ी।
और तीसरी जो पहाड़ी आएगी छप्पन की पहाड़ी, कि कौन सी पहाड़ी है? छप्पन की पहाड़ी, ग्रेनाइट की पहाड़ी, ग्रेनाइट की पहाड़ी, नाकोड़ा की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी। तो यहाँ पर तीन प्रकार की पहाड़ियाँ स्थित हैं। कितने प्रकार की पहाड़ियाँ स्थित है? तीन प्रकार की पहाड़ी यहाँ पर स्थित है। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूँ इन तीनों पहाड़ियों की, तो पिछले पेपरों में क्या पूछा गया है? पूछा गया है बच्चे कि इन तीनों पहाड़ियों के बारे में कोई सी भी एक पहाड़ी दे देगा कि इनका आकार कैसा है, तो गुंबद आकार है। इन तीनों ही पहाड़ियों का आकार कैसा है? गुंबद आकार है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उपरोक्त पहाड़ियों का आकार गुंबदाकार है। कैसा है बच्चे? उपरोक्त पहाड़ियों का आकार गुंबदाकार है। अब यहां पर क्या पूछा जाता है कि इन पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ? तो अपना जो लेवल है रीट तक का, तो रीट तक के लेवल के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा कि इनका आकार कैसा है इस प्रकार की, या फिर ये पहाड़ियां कहां पर स्थित है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है, जैसे अगर सेकंड ग्रेड हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, तो अपन वहाँ तक चल रहे हैं। ठीक है, अपना काम यहाँ तक है, लेकिन अपन कहाँ तक चल रहे हैं? अपन चल रहे हैं आरएस तक, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड को साथ में लेकर। तो अपन देखो बच्चे, अब इनके निर्माण की बात कर रहा हूँ मैं। आपसे पूछा जा सकता है भाई इन पहाड़ियों का निर्माण कैसे हो बच्चे? तो इन पहाड़ियों का जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी से हुआ था। कैसे हुआ था बच्चे? ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अब ज्वालामुखी से जब इसका निर्माण हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों इन पहाड़ियों का कैसे हुआ, कैसे क्या बनी है? तो मैंने कहा था पिछली बार भी आपको पढ़ाया था, जब मिट्टियां पढ़ाई थी तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी दो प्रकार के तरल पदार्थ का निर्माण करता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के तरल पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं। और ये भूतल है बच्चे, ये क्या है? भूतल है। और ये भूतल की मैं बात करूं तो इस भूतल के अंदर इस प्रकार से कुछ प्लेटें पाई जा रही थी, इस प्रकार से कुछ प्लेटें पाई जा रही थी बच्चे। ठीक है, ये प्लेटें, ये प्लेट है, और इन प्लेटों की मैं बात करता हूं तो ये भूतल के ऊपर से इस प्रकार से दबाव बनता है। और ये दबाव किस टाइप से बनेगा? ये दबाव बनेगा या तो कोई यहां पर कोई विशाल जल संग्रह होगा, या फिर कोई यहां पर पहाड़ी क्षेत्र होगा या पर्वत पहाड़ी यहां पर होगा। जैसे यहां पर दबाव बनता है तो ये दबाव भूतल के यहां पर आएगा, और भूतल के यहां पर आता है तो इन परतों पर भी क्या आएगा? दबाव बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे इन पर दबाव पड़ता है तो इन ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें क्या होगी? इन प्लेटों में क्या होगा? घर्षण होगा। क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पर घर्षण होगा। और जब घर्षण होता है इनके बीच में तो क्या होगा? यहाँ पर ताप बढ़ेगा। क्या होगा बच्चे? ताप बढ़ेगा। यानी कि जैसे अपन सर्दियों के समय में अपने हाथों को इस प्रकार से रगड़ते हैं तो अपने हाथ कैसे हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ये प्लेटों में जैसे घर्षण होता है तो ये प्लेटें इस क्षेत्र को क्या कर देगी? गर्म कर देगी। क्या कर देगी बच्चे? गर्म कर देगी। और जब इस क्षेत्र को गर्म कर देगी तो फिर क्या होगा? देखो बच्चे, जैसे जैसे घर्षण होगा तो तापमान जो है, ये तापमान यहाँ पर बढ़ेगा। और तापमान जब बढ़ेगा तो तापमान बढ़कर 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर हो जाता है। जैसे ही 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो यहाँ पर पाए जाने वाले छोटे मोटे जो जीव है, यहाँ पर पाए जाने वाले चट्टानें, ये सारे के सारे एक तरल पदार्थ में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? तरल पदार्थ में बदल जाएगी। और जब तरल पदार्थ में ये बदल जाएगी बच्चे, तरल पदार्थ में ये बदल जाएगी तो फिर क्या होगा? तरल पदार्थ में जब ये बदल जाएगी तो इस तरल पदार्थ का निर्माण होगा, और तरल पदार्थ को क्या कहेंगे? मैग्मा। क्या कहेंगे बच्चे? मैग्मा कहेंगे। और ये मैग्मा है, मैग्मा बनता जाएगा। जैसे जैसे ये घर्षण होगा, तापमान बढ़ेगा, ये मैग्मा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मैग्मा बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि मैग्मा जो है, ये मैग्मा भूमि की ऊपरी सतह के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही ऊपरी सतह पर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये दोनों प्लेटें क्या करेंगी बच्चे? गति करेगी। और जब ये गति करेगी तो ये विपरीत दिशा में गति करती है, जिसको अपन बोलते हैं अपसारी गति। कौन सी गति बोलते हैं बच्चे? अपसारी गति। तो यानी कि ये कौन सी गति हो रही? अपसारी गति, अपसारी गति। यानी कि जब अपसारी गति से क्या आएगा? ज्वालामुखी आएगा, ज्वाला
ज्वालामुखी आएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटों की कौन सी गति से ज्वालामुखी आते हैं, तो प्लेटों की कौन सी गति से आते हैं, अपसारी गति से आते हैं। कौन सी गति से आते हैं, अपसारी गति से। आपको ये भी पूछा सकता है कि अपसारी गति की गुण क्या है, तो अपसारी गति के गुण है बच्चे, दो प्लेटें क्या होती है, विपरीत दिशा में क्या करती है, गति करती है। जब ये विपरीत दिशा में गति करेगी तो यहाँ का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र टूट जाएगा, ये क्षेत्र टूट जाएगा और अंदर जो तरल पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ है, ये मैग्मा जो भरा हुआ है, ये मैग्मा क्या होगा बच्चा, ऊपर की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ जैसे ही मैग्मा आएगा तो ये गर्म गर्म मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है, बिल्कुल आग के समान। और ऊपर जैसे आता है तो ये किस में बदल जाएगा, लावा में। जैसे ऊपर आता है तो किस में बदल जाएगा, लावा में। क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है बच्चे, तो इसके अंदर इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब ज्वालामुखी फटेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड, जैसे जैसे समय गुजरता है तो इसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि लावा बाहर आ रहा है लेकिन समय जैसे जैसे खत्म होगा, समय जैसे जैसे गुजरेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही इसकी स्पीड कम होगी बच्चे, तो ये मैग्मा बाहर निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही मैग्मा बाहर निकलना बंद होगा, ये मैग्मा बाहर निकलना बंद होगा तो भूमि के आंतरिक भाग में इस प्रकार से दरार है और विभिन्न आकार की दरारें यहाँ पर पड़ेगी और इन दरारों में क्या भर जाएगा बच्चा, ग्रेनाइट, वो मैग्मा भर जाएगा, वो क्या बनाएगा, ग्रेनाइट। यानी कि मैग्मा इसके अंदर जमेगा और ठंडा होकर किस चट्टान में बदल जाएगा, ग्रेनाइट में बदल जाएगा। अभी ग्रेनाइट देखो, अलग अलग आकृतियों की ग्रेनाइट है, अलग अलग आकृति, कोई इस प्रकार से गुंबदाकार है, कोई लंबवत है, कोई क्षैतिज है, अलग अलग प्रकार की क्या हुआ आकृतियां बन गई है। ये जो लावा है, ये लावा ऊपरी परत में जाता है और यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान बनाता है, बेसाल्ट चट्टान बनाएगा, परलाइट बनाएगा, परलाइट चट्टान बनाएगा, पिच ब्लेड बनाएगा, पिच ब्लेड बनाएगा। तो यहाँ पर मैनी प्रकार की यहाँ पर क्या बनाएगा, ये चट्टानों का निर्माण करेगा। अगर अंदर की बात करें तो ग्रेनाइट की चट्टान बनेगी और ग्रेनाइट चट्टान अलग अलग प्रकार की होगी। ठीक है बच्चे, तो ये जो तीनों प्रकार के ग्रेनाइट के पहाड़ी है, नाकोड़ा की पहाड़ी है, छप्पन की पहाड़ी है, ये पहाड़ियाँ जो है, ये पहाड़ियाँ किसका रूप है, ग्रेनाइट का ही एक रूप है। किसका रूप है बच्चे, ग्रेनाइट का ही एक रूप है। और इन पहाड़ियों का आकार कैसा है, छप्पन की पहाड़ी, सॉरी ग्रेनाइट की, नाकोड़ा की और छप्पन पहाड़ियों का गुंबद आकार है। कैसा है बच्चे, गुंबद आकार है। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई कि भाई ये जो ग्रेनाइट यहाँ पर बनती है तो ये अलग अलग आकृतियों में बनती है, क्योंकि दरारें तो अलग अलग आकृतियों की होती है भूमि के अंदर, तो ये अलग अलग आकृतियों की दरारें बनती हैं। तो ठीक है बच्चे, कौन कौन सी आकृतियां बनती है उसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, देखो यहां पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो जैसे भूमि के, ये भूमि की ऊपरी सतह है, ठीक है, ये भूमि के आंतरिक भाग है और इस आंतरिक भाग में सबसे नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है। और सबसे नीचे वाले हिस्से की मैं बात करूँ बच्चे, तो यहाँ पर जो ग्रेनाइट बनेगा, यहाँ पर जो मैग्मा जमेगा, यहाँ पर जो मैग्मा बनेगा जमेगा उसे कहेंगे बेथोलिथ, बेथोलिथ चट्टान। कौन सी चट्टान बनेगी बच्चे, बेथोलिथ चट्टान। और ये जो बेथोलिथ चट्टान है, इसका जो आकार होगा बच्चे, इस चट्टान का जो आकार होगा, इसका जो आकार होगा वो आकार होगा गुंबदाकार, गुंबदाकार। ठीक है, इसका आकार कैसा हो गया, गुंबदाकार हो गया। अगर मैं बात करूं बच्चे, कुछ दरारें इस प्रकार से भी पाई जाएगी, इस प्रकार से, जिसको बोलेंगे अपन लेपोलिथ चट्टान, लेपोलिथ चट्टान, लेपोलिथ चट्टान। और लेपोलिथ चट्टान का आकार कैसा है, तस्त्री नुमा। कैसा है बच्चे, तस्त्री नुमा उसका आकार है। कैसा है, लेपोलिथ चट्टान का आकार कैसा है, तस्त्री नुमा। लेपोलिथ चट्टान का आकार कैसा है, तस्त्री नुमा। ठीक है बच्चे, अगर मैं बात करूं, कुछ चट्टानें इस प्रकार से बनेगी, कुछ चट्टान इस प्रकार से बनेगी और इस प्रकार की जो चट्टान होगी उसको सील चट्टान कहेंगे। कौन से चट्टान बनेंगी, ये सील चट्टान, सील चट्टान। और जो सील चट्टान है, इसका जो आकार होगा बच्चे, इसका आकार कैसा होगा, 37 होगा। कैसा होगा बच्चे, इसका आकार 37 होगा, इसका आकार कैसा हो गया, 37 हो गया।
कुछ चट्टाने इस प्रकार से बनेगी बच्चे, कुछ चट्टाने इस प्रकार से भी बनेगी, इस प्रकार से भी बनेगी, ये रही, और इसको कहेंगे डाइक। और ये डाइक जो चट्टान है इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा, डाइक चट्टान का आकार कैसा होगा बच्चे, इसका होगा लंबवत। कैसा हो रहा है बच्चे, लंबवत इसका आकार है। कैसा आकार इसका, लंबवत आकार है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं कुछ चट्टाने इस प्रकार से भी बनेगी बच्चे, कुछ चट्टाने इस प्रकार से भी बनेगी, और ये होगी फेकोलिथ, फेकोलिथ, फेकोलिथ चट्टान। और फेकोलिथ चट्टान का आकार कैसा होगा, लहरदार, लहरदार। कैसी चट्टाने बच्चे, लहरदार है। इसी प्रकार से कुछ चट्टाने भूमि की ऊपरी सतह तक आएगी और इस प्रकार से ये बनेगी ऊपर लास्ट तक, और इस प्रकार से लास्ट तक जो चट्टाने बनेगी भूमि की ऊपरी सतह तक निकलेगी, और इन चट्टानों को कहेंगे लेकोलिथ चट्टान, लेकोलिथ चट्टान। कौन सी चट्टान है बच्चे, लेकोलिथ चट्टान। और इसका आकार भी कैसा होगा, गुंबदाकार। अभी आपके कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आरएस तक पूछे, फर्स्ट ग्रेड तक पूछे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, आपको सारे के सारे आंसर यहां पर मिल जाएंगे। किसी भी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको पूछा जाएगा कि बेथोली चट्टान का आकार कैसा है, गुंबदाकार है। अब देखो ग्रेनाइट की जितने भी मैंने इस प्रकार से आपको प्रकार बताए, ये सारे की सारी चट्टाने ग्रेनाइट की है, लेकिन आकार अलग अलग होने के कारण इनके क्या हुए, नाम भी अलग अलग हो गए, ठीक है बच्चे। अब जैसे अगर बेथोलिथ की बात करें तो बेथोलिथ जो है ये ग्रेनाइट का सबसे बड़ा रूप है, ठीक है। बेथोलिथ क्या है बच्चे, ये ग्रेनाइट का सबसे बड़ा रूप है। इधर लिख देता हूं, ग्रेनाइट का सबसे बड़ा रूप है, ग्रेनाइट का सबसे बड़ा रूप है। ग्रेनाइट का सबसे बड़ा रूप कौन सा है, बेथोलिथ। ग्रेनाइट का सबसे बड़ा रूप कौन है, बेथोलिथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलें आगे। अब देखो मैं यहां पर थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं, ये ज्वालामुखी जो फटता है बच्चे, तो ज्वालामुखी दो प्रकार के तरल पदार्थ बनाएगा। पहला जो होगा बच्चे मैग्मा होगा, इधर लावा लिख देता हूं, लावा होगा, और लावा जो होगा बच्चे ये ऊपरी ऊपरी भाग में होगा। ये लावा क्या होगा बच्चे, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, और धीरे धीरे जैसे ये लावा ठंडा होता है बच्चे, तो ये लावा ठंडा होकर एक चट्टान बनाएगा बच्चे। और चट्टान जब ये बनाता है लावा, तो ये कौन सी बनाएगा बच्चे, ये लावा कौन सी चट्टान बनाएगा, बेसाल्ट, परलाइट, पिचब्लेड, ईटीसी, ठीक है, ये चट्टान यहां पर बनाएगा। दूसरी जो दूसरा होगा मैग्मा होगा, और मैग्मा कहां पर होगा, आंतरिक भाग में होगा, और आंतरिक भाग में ये मैग्मा क्या होगा बच्चे, धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा, और जब धीरे धीरे ठंडा होगा बच्चे तो क्या होगा, एक चट्टान बनाएगा, और जब चट्टान बनाएगा यहां पर तो कौन से चट्टान बनाएगा, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट की बहुत सारे रूप मैंने आपको बता दिए, जैसे ग्रेनाइट का पहला रूप अपन ने सबसे बड़ा जो था वो था बेथोलिथ, बेथोलिथ, ठीक है बच्चे। जैसे अपन ने और देखा यहां पर लेपोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है बच्चे। फिर अपन ने यहां पर देखा सील चट्टान, सील चट्टान। दूसरा अपन ने देखा डायक चट्टान। फिर अपन ने देखा बच्चे यहां पर फेकोलिथ चट्टान, फेकोलिथ चट्टान। फिर अपन ने देखा है बच्चे यहां पर फिर होगा लेकोलिथ चट्टान, लेकोलिथ चट्टान। इनके सबके आकार मैंने आपको यहां पर बता दिए। थोड़ा सा ये याद रखना है कि बेथोलिथ जो है ग्रेनाइट का सबसे बड़ा रूप है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे। एक बार आप इसको एक बार और समझ लीजिए, मैं आपको एक बार और इसकी रिवीजन करवा देता हूं। तो देखो बच्चे यहां पर अपन ने पढ़ा बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालौर के मध्य की गौंड पहाड़, सॉरी जालौर के मध्य की पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे।
पहली पहाड़ी कौन सी है? ग्रेनाइट की पहाड़ी। दूसरी पहाड़ी कौन सी है? नाकोड़ा की पहाड़ी। और तीसरी पहाड़ी कौन सी है? छप्पन की पहाड़ी। उपरोक्त तीनों पहाड़ियों का आकार कैसा है बच्चे? गुंबद आकार है। और इनका जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? ज्वालामुखी से हुआ। लावा, ज्वालामुखी जब फटता है तो एक होता है लावा और दूसरा पदार्थ होता है मैग्मा, यानी कि दो प्रकार के तरल पदार्थ की ये निर्माण करेगा। मैग्मा की बात करते हैं बच्चे, तो आंतरिक भाग में इसका जमाव होता है और आंतरिक भाग में धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडा होगा और धीरे धीरे ठंडा होकर एक चट्टान बनाएगा जिसको कहेंगे ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट के अलग अलग आकृतियां होती है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इधर आ जाइए बच्चा, यहाँ पर है बेथोलित। सबसे नीचे के भाग में जो मैग्मा जमेगा, जो ग्रेनाइट बनेगी, वो कौन सी होगी? बेथोलित चट्टान। और बेथोलित चट्टान ग्रेनाइट का सबसे बड़ा भाग होता है, इसका आकार सबसे बड़ा होता है। बेथोलित चट्टान का आकार कैसा होता है? गुंबद आकार होता है। देखो इस प्रकार से कुछ चट्टानें इस प्रकार से तस्त्रीनुमा आकार की होगी और उनको क्या कहेंगे अपन? लेपोलित चट्टान। क्या कहेंगे बच्चे? लेपोलित चट्टान। कुछ आकृतियां इस प्रकार से 37 होगी और इन 37 आकृतियों को अपन सील चट्टान का नाम देंगे बच्चे। और यहाँ पर कुछ आकृतियां लंबवत होगी, उनको अपन कहेंगे डाइक चट्टान। कौन सी चट्टान कहेंगे बच्चे? डाइक चट्टान। कुछ आकृतियां लहरदार होगी और लहरदार होगी तो उसको क्या कहेंगे? फेकोलित चट्टान। और कुछ आकृतियां गुंबदाकार होगी, गुंबदार होगी तो उसको क्या कहेंगे? लेकोलित चट्टान। और सॉरी बेथोलित होगा बच्चे, वो बेथोलित तो नीचे हो गया, ये तो लेपोलित हो गया, ये लेकोलित। हाँ, लेकोलित चट्टान सही है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चा, अब यहां पर बात करें तो एक पहाड़ी है नाकोड़ा की पहाड़ी, जो कहां पर है? बाड़मेर की शिवना तहसील से जालौर के मध्य। यहां पर जैन मंदिर है भाई, जैन मंदिर, ठीक है। जैनियों के यहां पर एक तीर्थ स्थल है, वो है जैन मंदिर, ठीक है, प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है बच्चे। चले आगे, तो यहां तक आपको ध्यान रखना है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो आपने ये सारी चीजें आपने देखी होगी, एक बार इसको आप उतार लीजिए, एक बार इसको आप उतार लीजिए ऐसे ही, एक बार आप इसको उतार लीजिए आपके हिसाब से, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। आपके हिसाब से उतार लीजिए एक बार, ठीक है। चलें, देखो तो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर अपन ने इस प्रकार से ये गौण पहाड़ियां देखी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गौण पहाड़ियां। अरावली का जो क्षेत्र है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको सारी चीजों को इस प्रकार से देखनी है, जहां से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे ये जो फिजिकल डिवीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ऐसे मत समझना कि टाइम क्यों लग रहा है सर, तो टाइम तो लगेगा, अगर अपन ढंग से पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। अभी तो अपने दो भौतिक प्रदेश, यानी कि अभी तो पूरा अरावली भी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद में दो और बचे हैं, यानी कि चार है, उसमें से एक कंप्लीट हुआ है और दूसरा अपना चल रहा है, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस आपकी ऑल ओवर, जैसे RPSC के लेवल पर कोई सा भी एग्जाम करवाए, सब में आपके काम आने वाली है। एक बार आप बढ़िया नोट्स बनाइए, उसमें आपको सारी चीज़ें, जैसे अब अपन ने ये पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली, तो इसके बाद में क्या होता है बच्चे, कि जैसे अपन ने पूरा पढ़ लिया तो थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो जाता है कभी कभी, जैसे कोई डाटा अलग आता है तो आपको उसको ऐड करना होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी टॉपिक अगर ख़त्म होता है तो आप उसके आगे एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज जब आप छोड़ दोगे, यानी कि कोई चीज़ जब अपडेट होती तो आप उसको वहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। आज के एग्जाम में किस प्रकार से, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी से अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से आपकी कॉपी में 7 से 8 क्वेश्चन, यानी कि 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आपकी कॉपी में एज इट इज इस प्रकार से मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड आते हैं, करंट से रिलेटेड यानी कि जो भी वर्तमान में चल रहा है, यानी कि कोई ज्योग्राफिकली कोई ऐसी कोई घटना हो गई, कोई जहाँ पर कोई जैसे कोई सुनामी आ गई या फिर कोई कुछ आ गया, तो 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से आपको बनते हैं करंट से बेस्ड, ठीक है। और वो पॉलिटी में भी बनेंगे, वो आपके ज्योग्राफी में बनेंगे, इकोनॉमिक्स में बनेंगे, सब में बनेंगे वो, ठीक है। और अब 2 क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं जो बिल्कुल वो आपको छोड़ नहीं है,
और वो दो क्वेश्चन वो ही बंदा छोड़ेगा जो अच्छी तैयारी करेगा, यानी कि क्वेश्चनों को छोड़ने की भी एक कला होती है। कोई बोलते कि अब मैंने तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन करे, तो पूरे में से 100 में से 100 तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, 100 में से 100 तो कोई नहीं कर सकता। यानी कि अगर पूरा पेपर सेट होता है तो 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर भी उसके अंदर चकरा जाता है, वो भी नहीं जानते। अगर दो एग्जामिनर सेट कर रहे पेपर तो दूसरा एक दूसरे के पेपर को भी पूरा 100% हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चा, आपको सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए? आपको सिलेक्शन के लिए 60 से 70% चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन को उसी के ऊपर ध्यान देनी है। बहुत सारी बुक नहीं पढ़नी, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। मेरा कहना यह है कि आपको किताबों का ढेर नहीं करना, बहुत सारी बुक को नहीं पढ़ना, एक बुक ले आओ और उसी को बार बार पढ़ो, और टेस्ट बुक दो अपने कोचिंग से जो चल रहा है वो मैटर पढ़ो, बार बार सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। टाइम इम्पोर्टेंट है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे, अभी का जो टाइम चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये टाइम को आपको यूटिलाइज करनी है, टाइम को ख़राब नहीं करना, नहीं तो ये टाइम आपको बहुत याद आएगा। अगर अभी भगवान नहीं करे आप एक दो नंबर से या फिर पॉइंटों से आप रह जाते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से 4 साल की जो आप फिर बेरोजगारी झेलोगे वो आप ही को पता होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जानकार कि जिनका जो सिलेक्शन हो गया होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि उनका पॉइंटों से रह चुका, और पॉइंटों से रहने के कारण वो 5-5 साल की बेरोजगारी झेल रहे हैं, 3-3 साल की। तो वो बेरोजगारी क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि उनमें कोई ना कोई कमी रह गई होगी, एग्जाम नहीं हुआ उनसे फाइट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि कोई भी गलती नहीं करे, OMR सीट को भरे तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेपर की हड़बड़ाहट में आपको वहाँ पर क्या थोड़ी गलतियाँ हो जाती है फॉर्म भरने में, ठीक है। तो अभी रीट के फॉर्म भी चल रहे हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्म भरो तो आराम से भरो, उसको पढ़ो एक बार, प्रीव्यू दिखाओ उसको, प्रीव्यू में देखो कि क्या आपने क्या क्या भरा है, क्या क्या नहीं भरा। लैंग्वेजेस का बिल्कुल ध्यान रखना है कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, सेकेंड लैंग्वेज कौन सी है सेकेंड लेवल में, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अपनी डिटेल जो है, नाम पता और अपने पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो रीट जो है, रीट का फॉर्म चल रहा है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप आराम से भरिए फॉर्म, कोई जल्दबाजी नहीं करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, और कल के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।